ईरान और हिजबुल्ला का समर्थक इराक का इस्लामिक संगठन आईआरआई ने दावा किया है कि उसने इजरायली ठिकानों पर 3 प्रोजेक्टाइल दागे। आईआरआई ने इसराइल में कब्जे वाले गोलान और तिब्रियास में 3 ठिकानों पर प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए। उसने इसराइल के ठिकानों पर और हमला जारी रखने का भी ऐलान किया। इस बीच इसराइल की सेना आईडीएफ ने अपने 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा है कि देश के उत्तरी इलाके गोलान हाइट्स पर हुए हमले में उसने 2 सैनिक गंवा दिए, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी गोलानी ब्रिगेड का हिस्सा थे। गोलान हाइट्स में इसराइल का बड़ा सैनिक बेस है। गोलान हाइट्स इलाके को 1981 में इसराइल ने सीरिया से छीन लिया था। इस बीच इसराइली हमले में मारे गए हिजबुल्ला के पूर्व चीफ असद नसरल्ला को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इसराइली हमले के डर से नसरल्ला को एक सीक्रेट जगह पर दफनाया गया है। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.